Hello students welcome to talking textbook living no child behind present from kota to india teaching live i am lokan singh pamar and today we will discuss about sixth lecture of statetics and that is revision lecture तो बेटा आज हम यहाँ पर रिवीजन लेक्चर डिस्कस करने वाले हैं मतलब कि इस पूरे चैप्टर का हम आज ब्रीफिंग करने वाले हैं ओके तो ब्रीफिंग क्यों करने वाले हैं ये आपको पता है कि जब भी हमारा चैप्टर कोई कंप्लीट होता है तो एक बार हम उस चैप्टर को पूरा एक बार रिवाइज करते हैं ताकि जब हम उसके ओलंपियाड लेवल एग्जाम्स जो क्वेश्चन हमारे वो सॉल्व करें तो हमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना आए है, है ना क्लियर है आपको काफी अच्छे से तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको पता है हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर हमारे प्रमोशनल पार्ट के बारे में डिस्कशन करते हैं तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूँ यहाँ पर हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं क्लास सिक्स टू एट ओलंपियाड एग्जाम

गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम इंस्टॉल नहीं किया है तो फटाफट से टेलीग्राम स्टॉल करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं यहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए डीपीपीज और स्टडी मटेरियल जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इन ग्रुप्स के जो कोड्स है वो आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो क्लास सिक्स का आपका ग्रुप कोड है टी डॉट एम ए स्लेश सी टी बीरोस क्लास सेवन टी डॉट स्लेश सी टीबी जीरो सेवन एज वेल एज क्लास एट टी डॉट एम एस टी टी जीरो एट क्लास नाइन टी डॉट एम एस टी टीपी जीरो जीरो नाइन एंड क्लास टेन का आपका ग्रुप कोड रहने वाला है टी डॉ एम एस टी टीबी जीरो टेन आपको अपनी रेवलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना ग्रुप कोड एंटर करना है और फटाफट से डीपीपीज और स्टडी ियल को रिव्यू करना स्टार्ट करना है अगर आपको और अच्छे से प्रिपरेशन करना है तो इसके लिए क्या करना होगा आपको हमारी वेबसाइट पर विजिट करना होगा हमारी जो वेबसाइट है बेटा वो है डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट टॉकिंग बुक डॉट इन जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर विजिट करते हो तो आप यहाँ देखोगे कि हमने डिफरेंट डिफरेंट क्लास के लिए डिफरेंट डिफरेंट पैकेजेस बनाए हुए हैं आपको अपनी रेवलेंट क्लास के अकॉर्डिंग अपना पैकेज सेलेक्ट करना है फॉर एक्जाम्पल आप क्लास टेंथ में है तो क्लास टेंथ का फाउंडेशन का पैकेज सेलेक्ट कर सकते हैं जो कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है स्क्रीन पर आपको टू टाइप्स के पैकेजेस नजर आ रहे हैं फर्स्ट पैकेज जो है आपका स्टडी मटेरियल से रिलेटेड और सेकंड पैकेज आपका टेस्ट सीरीज से रिलेटेड है फर्स्ट पैकेज की अगर हम बात करते हैं तो इसमें मिलने वाला है आपको कॉम्प्रेंसिव स्टडी मटेरियल रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस होमवर्क सम्मीशन बाई विकेजेस एंड पीरियडिक सैम्पल पेपर ओनली ऑन टेन थाउजेंड रुपीज में तो आपको इसे परचेस करने के लिए क्या करना है बेटा फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे पास जो स्टडी मटेरियल है सफिशियंट है सर मुझे स्टडी मटेरियल की नीड नहीं है लेकिन मुझे तो एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज मिल जाए तो उसका भी ऑप्शन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ यहाँ ओनली ऑन on थ्री थाउजेंड फाइव हंड्रेड रुपीज़ में जिसमें आपको मिलने वाला है पीरियडिक टेस्ट पेपर रिकॉर्डेड इन लाइव क्लासेज एंड बाई वीकली बेसिस तो आपको फटाक से क्या करना है बाय नाउ पर क्लिक करके सीधा प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर पहुंच जाना है जैसे ही आप प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर जाते हो यहाँ आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ है मैं लेकर आया हूँ सभी के लिए यहाँ पर थर्टी परसेंट का डिस्काउंट ऑफर कितना थर्टी परसेंट का डिस्काउंट ऑफर लेकिन उसके लिए आपको क्या करना होगा एक कूपन कोड यूज़ करना है और आपका जो कूपन कोड रहने वाला है वो रहने वाला है एल एस लाइव क्या रहने वाला है बेटा एल एस लाइव मतलब कि आपको इस एल एस लाइव कूपन कोड के बिहाव पर यहां पर थर्टी परसेंट का डिस्काउंट मिलने वाला है तो फटाफट से अगर आप फर्स्ट पैकेज के लिए एल एस लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन सेवन थाउजेंड रुपीज में और अगर आप सेकंड पैकेज के लिए एल एस लाइव कूपन कोड यूज करते हो तो ये पैकेज आपको ओनली ऑन टू थाउजेंड फोर हंड्रेड फिफ्टी रुपीज में मिलेगा तो फटाफट से आपको क्या करना है बाई पैकेज पर क्लिक करके सीधा पहुंच जाना है प्राइस डिटेल्स के ऑप्शन पर अगर आप फर्स्ट पैकेज सेलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ फर्स्ट पैकेज का अमाउंट और सेकंड पैकेज सेलेक्ट करने पर आपको यहाँ सेकंड पैकेज का अमाउंट मिलेगा साथ ही साथ आपको यहाँ पेमेंट से रिलेटेड कुछ फैसिलिटीज भी मिलने वाली है जैसे कि क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड नेट बैंकिंग जिस भी फैसिलिटी से आप चाहो उस फैसिलिटीज़ से आप पेमेंट कर सकते हो और हमारा सब्सक्रिप्शन ले सकते हो इस पूरी प्रोसेस में अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है बेटा तो यहाँ एक छोटू सा नंबर की बने नाइन फटाफट से क्या करना है हमें इस नंबर पर कॉल करना है और इस पूरी प्रोसेस से रिलेटेड जो भी आपको क्वायरी करना है वो कंप्लीटली क्वायरी आप यहाँ पर कर सकते हो तो फटाफट से इस नंबर को भी नोट कर लीजिए और इस कूपन कोड को भी क्योंकि नंबर आपको यहां पर पूरी क्वायरी में हेल्प करने वाला है और ये जो कूपन कोड है ये आपको थर्टी परसेंट का डिस्काउंट दिलाने वाला है फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो और नोट करना है तो नोट कर लो चलो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको जैसा कि पता है हम क्या करते हैं यहाँ पर एक कार्डिनल प्रॉमिस करते हैं क्यों करते हैं क्योंकि आपकी और हमारी बॉन्डिंग बनी रहे वैसे बॉन्डिंग तो काफी अच्छी बनी हुई है लेकिन जो बच्चे हमारे साथ न्यू कनेक्ट हुए हैं उनके भी साथ हमारी बॉन्डिंग बनाना जरूरी है तो आ जाइए फटाफट से एक आर्डीनियल प्रॉमिस कर लेते हैं आई प्रॉमिस लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम ए स्मार्ट स्टूडेंट स्मार्ट आप ऑलरेडी यहीं से आपको क्या बनना है यहाँ पर स्मार्ट स्टूडेंट और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए आपको क्या करना होगा स्मार्ट स्टडी करना है तो फटाफट से पैन कॉपी निकाल के शुरू हो जाओ क्योंकि आज का लेक्चर तो आपको पता है हमारा बहुत ही गजब का लेक्चर रहने वाला है रिविजन लेक्चर आपको पता है पूरे चैप्टर की हम यहाँ पर एक बार ब्रीफिंग करने वाले हैं जो भी हमने इस चैप्टर में स्टडी किया है इस चैप्टर में हमने अभी तक फाइव लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं सबसे सब पहले फर्स्ट लेक्चर में हमने यहाँ पर इसके इंट्रोडक्शन से इसके बारे में डिस्कशन किया ठीक है इंट्रोडक्शन के साथ साथ सेकंड लेक्चर में आपने इसके इंट्रोडक्शन के बेस पर मैंने आपको अर्थमेटिक मीन फाइंड करना सिखाया था तो उस अर्थमेटिक मीन को हम किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट टाइप क्वेश्चन से सॉल्व कर सकते हैं वो हमने क्लियर किया फिर हमने मिडेन क्या होता है मिडेन किस तरह से फाइंड किया जा सकता है मोड किस तरह से फाइंड किया जा सकता है साथ ही साथ इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ये सारी चीजें आप कंप्लीट कर चुके हो तो मुझे नहीं लगता कि बेटा अब आप आपको इस पूरे चैप्टर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रही होगी बस ये चैप्टर जो है ना मैं आपको स्टार्टिंग से ही कहता हुआ आ रहा हूं कि यह चैप्टर आपका बेटा यहां पर फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है अगर आपको मिडेन का फॉर्मूला पता है आपको मोड का फॉर्मूला पता है आपको अर्थमेटिक मीन का फार्मूला पता है तो आप बहुत ही ईजिली

तो फटाफट से अगर आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं नोट करना चाहें तो नोट भी कर सकते हैं और इस चैप्टर की अगर हम बात करते हैं तो देखो इस चैप्टर को जब हमने स्टार्ट किया ना तो बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट के बेस पर स्टार्ट किया कि डेटा क्या होता है आपका डेटा के साथ में डेटा के टाइप्स क्या होते हैं डेटा के टाइप्स में भी फिर आपने ग्रुप डेटा क्या होता है अनग्रुप डेटा क्या होता है ग्रुप डेटा के लिए आप मोड में किस तरह से फ़ाइन करोगे इसी तरह से अनग्रुप डेटा के लिए किस तरह से फ़ाइन करोगे तो मतलब कि ये चैप्टर तो आपके लिए मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लमेटिक चैप्टर है ये पूरा पूरा एकदम इजी चैप्टर है और फुल मार्क्स आने के आपकी पूरे चांसेस है अगर आपने थोड़ा सा भी इसमें कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं किया तो बस कैलकुलेशन में मिस्टेक मत करना इसमें ध्यान रखना है आपको है ना तो चलिए इसका इंट्रोडक्शन फेज देख लेते हैं हम देखो इंट्रोडक्शन फेज में आपको काफी सारी चीजें यहां पर नजर आ रही है वैसे हम सब कुछ क्लियर कर चुके हैं यहां पर आपने बिल्कुल ध्यान से देखा कि हमारे पास वर्ड क्या है ये लेटिन वर्ड है ठीक है और इसका मीन क्या होता है पॉलिटिकल स्टेट होता है ठीक है स्टेटेटिक्स जो है हमारे पास ये एक लेटिन वर्ड है और इसका जो मेन होता है वो क्या होता है पॉलिटिकल स्टेट होता है मतलब कि मेनली हमारे पास इसका जो यूज़ होता है ना वो किसके लिए होता है इसका यूज हमारे लिए एक तरह से हमें अगर किसी को भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना किसी को भी ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने से मेन कि कोई भी डेटा है आपके पास और उसको ग्राफ पर आपको क्या करना है रिप्रेजेंट करना है जैसे कि वेदर का डेटा हुआ ठीक है इकोनॉमिक का डेटा हुआ जो भी अपनी इकोनॉमिक होती है इसका डेटा हुआ इन सबको हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं या कोई भी आपने देखा होगा इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन पोल्स के जो एग्जिट पोल होते हैं उसका डेटा होता है तो इन सब का यूज़ जो होता है ना मतलब कि डेटा का जो यूज़ किया जाता है वही एक तरह से हम क्या कह सकते हैं ये हमारे पास स्टेटेटिक्स का एक एग्ज़ाम्पल है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के ठीक है यहाँ पर आपने अर्लियर क्लासेज में स्टडी किया हुआ है कि किस तरह से आप यहाँ पर कलेक्शन करते हो डेटा का ठीक है प्रेजेंटेशन करते हो आप डेटा का टेबुलर फॉर्म में और साथ ही साथ मेजर सेंट्रल टेंडेंसी जिसमें हमने मीड मोड और मिडेन इन तीनों को किस तरह से फाइंड करना सीखा है नाइन्थ क्लास के अकॉर्डिंग ठीक है लेकिन यहाँ पर जो हमें फॉर्म मिल रहा है ना ये उसी का जस्ट अपडेट फॉर्म है क्लियर तो यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है ज़्यादा कुछ नहीं है आप इजीली और अच्छे से समझ सकते हो सारी चीज़ें मेनली हम यहाँ पर देख लेते हैं डेटा क्या होता है डेटा की अगर हम बात करते हैं तो डेटा जो है हमारे पास वो क्या है न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका फैक्ट्स का मतलब कि कोई भी हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं ठीक है या कुछ भी आपसे जैसा बोल दिया जाए कि आपके पास वेदर का डेटा दे दिया, दिया गया है ठीक है तो वो जो वेदर मिलेगा वो किस में मिलेगा न्यूमेरिकल फॉर्म में ही तो मिलेगा ना आपको तो इसीलिए हमने क्या कहा ये न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है फैक्ट्स का और इसे ही हम क्या कहते हैं डेटा कहते हैं और डेटा की जो मेनली हमारे पास फॉर्म होती है एक तो होता है हमारे पास रो डेटा रो डेटा क्या होता है एक तरह से हम नहीं कहते हैं कि रो फाइल्स है हमारे पास एक तो होती है मेन फाइल जिसको हम एडिट वगैरह करके या जो भी एरर होता है उसमें उसे एरर फ्री करके कंप्लीट कर देते हैं और एक होती है रो फाइल से हाँ ठीक है मतलब कि बेस ये है अब इसी को हमें क्या करना है अपडेट करना है तो इसी फॉर्म में कहा गया है यहाँ पर रो डेटा के लिए डेटा ऑप्टेंड फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन अगर आपके पास कोई भी डेटा है और वो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से है तो वही क्या होगा आपके पास रो डेटा होगा जैसे कि आपके पास आप एक क्लास में हो ठीक है और क्लास में मान लीजिए ट्वेंटी स्टूडेंट्स है ट्वेंटी स्टूडेंट्स का टेस्ट होता है और ट्वेंटी स्टूडेंट्स को जो यहाँ पर मंथली टेस्ट होता है उसमें से मार्क्स जो मिलते हैं वो टेन में से मिलते हैं कितने में से मिल मिलते हैं टेन में से मिलते हैं मतलब कि ये क्या है डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन हो रहा है ना कि टेन में से किसके कितने मार्क्स आए तो यही क्या है हमारे पास रो डेटा है क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं और फाइनल डेटा क्या होता है जो हमारा मेनली रिपोर्ट कार्ड होता है पूरे ईयर का जिसमें मंथली टेस्ट भी आ गया जिसमें हाफ ईयरली भी आ गया एनुअल एग्जाम्स भी आ गया सब कुछ आ गया ठीक है क्लियर है फिर डेटा के अगर हम टाइप्स की बात करते हैं तो हमारे पास ग्रुप डेटा ग्रुप डेटा जो है वो क्या है आपके पास टू रिप्रेजेंट द डेटा इज मोर मीनिंगफुल वे वी कंसिज द डेटा इन टू नंबर ऑफ क्लासेस ग्रुप्स जनरली नॉट एक्सिस्टिंग टेन और नॉट लेस देन फाइव दिस हेल्प्स एट सर्टेन साइलेंट फीचर्स ऑफ डेटा 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 कुल देखो ग्रुप ग्रुप की फॉर्म क्या होती है कि जैसे कि मान लीजिए आपने क्लास टेस्ट दिया है ठीक है और क्लास टेस्ट में आप देखते हो कि जीरो से फाइव के बीच में कितने स्टूडेंट्स के थर्टी मार्क्स का जो था आपके टेस्ट था अब उस थर्टी मार्क्स के टेस्ट में आप ये देखते हो कि जीरो से फाइव के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए फिर फाइव से टेन के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए टेन से फिफ्टीन के बीच में कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए तो ये क्या बन रहा है ग्रुप फॉर्म बन रहा है ना तो यही हमारे पास यहाँ पर ग्रुप डेटा होता है ठीक है ऑब्जर्वेशन की अगर हम बात करते हैं तो ऑब्जर्वेशन क्या होता है ईच एंट्री इन द डेटा इज कॉल्ड मतलब कि डेटा कोई भी आपके पास डेटा है उस हर एक डेटा की एंट्री ही आपकी क्या होती है यहाँ पर ऑब्जर्वेशन फॉर्म होती है ठीक है और वेरिएबल क्वांटिटीज तो आपको पता है यहाँ पर द क्वांटिटीज आर बीइंग कंसिडर्ड इन ए सर्वे आर कॉल्ड वेरिएबल जैसे कि आप देखते हो तो यहाँ पर आपके पास कोई भी क्वांटिटी गिवन है जैसे कि डेटा अगर गिवन होगा तो वो डेटा किस फॉर्म में गिवन होगा उसको आप किसी ना किसी शॉर्ट फॉर्म में तो लिखोगे या तो एक्स की एक्स आई की फॉर्म में या वाई आई की फॉर्म में जनरली हम जो यहाँ पर यूज करते हैं वो क्या है? यूज़ करते हैं एक्स आई का फॉर्म यूज़ करते हैं जैसा कि आप देख पा रहे हो एक्स आई इक्वल वन टू थ्री से लेकर एन तक ओके okay? कोई प्रॉब्लम नहीं फ्रीकवेंसी द नंबर ऑफ टाइम्स फ्रीक्वेंसी जो भी आपको डेटा दिया गया है उस डेटा में जो भी नंबर है वो कितने टाइम्स आ रहा है वही क्या है आपके पास फ्रीक्वेंसी और रेंज रेंज जो होती है वो होती है आपके पास आपके पास जो डेटा गिवन है उस डेटा में मैक्सिमम वैल्यू क्या है और मिनिमम वैल्यू क्या है अगर आपने मैक्सिमम वैल्यू में से सप्लेक्ट कर दिया मिनिमम वैल्यू को तो सप्लेक्ट करने पर जो हमें यहां पर नंबर मिलेगा वही क्या होगा इस डेटा का रेंज होगा क्लियर फटाक से आपको इसका स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन शॉट ले लो बेटा नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी से फटाफट ओके चले आगे चलो नेक्स्ट आता है आपके पास क्लास बाउंड्रीज और ट्रू अपर एंड ट्रू लोअर लिमिट्स ठीक है क्लास बाउंड्री तो आपको पता होना चाहिए अपर लिमिट क्या होती है लोअर लिमिट क्या होती है ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए इन द एक्सक्लूसिव फॉर्म द अपर एंड लोअर लिमिट ऑफ क्लास रेस्पेक्टिवली नॉन इज द ट्रू अपर लिमिट एंड ट्रू लोअर लिमिट देखो एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या बोला गया है यहाँ पर हमारे पास एक्सक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म में भी अपर और लोअर लिमिट आपको जो भी क्लास गिवन है मान लीजिए जीरो से टेन ठीक है ये गिवन है अब इसमें लोअर लिमिट क्या है जीरो अपर लिमिट क्या है हमारे पास टेन है ठीक है इसे ही हम किसके नेम से जानते हैं ट्रू अपर एंड ट्रू लोअर लिमिट क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं चलो इन द इंक्लूसिव फॉर्म यहां पर तो एक्सक्लूसिव था और यहां पर इंक्लूसिव है द नंबर वीडवे बिटवीन द अपर लिमिट ऑफ क्लास एंड लोअर लिमिट ऑफ द क्लास गिव्स द ट्रू अपर लिमिट ऑफ द क्लास एंड ट्रू लोअर लिमिट ऑफ द क्लास ठीक है देखो इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म इन दोनों का जो रिप्रेजेंटेशन है ना ये आपको क्लियर होना जरूरी है बहुत ही ज्यादा क्योंकि इस एक्सक्लूसिव फॉर्म और इंक्लूसिव फॉर्म के बेस पर ही आपका जो क्लास इंटरवल है ना वो डिपेंडेंट है मतलब क्लास लिमिट जीरो से फाइव आप बहुत सी बार देखते हो कि जीरो से फाइव फाइव से टेन टेन से फिफ्टीन है ना और बहुत सी बार देखते हो कि जीरो से फाइव है लेकिन नेक्स्ट जो आ रहा है हमारा वो सिक्स से टेन आ रहा है और फिर नेक्स्ट आ रहा है वो इलेवन से फिफ्टीन आ रहा है तो यहां पर जो फॉर्म का रिप्रेजेंटेशन है वो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव इन दोनों फॉर्म के रिप्रेजेंटेशन पर डिपेंड करता है ईच ग्रुप इंटू विच द रो डेटा इज कंसिस्ट इज कॉल्ड ए क्लास इंटरवेल जो भी आपके पास यहां पर ग्रुप है ठीक है उसका रो डेटा जैसे कि जीरो से फाइव के बीच में कितने है? 5 से 10 के बीच में कितने है, 15 से 20 के बीच में कितने इस तरह से ओके क्लास साइज क्लास साइज तो आपको पता है अगर आप अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सपरेक्ट कर दोगे तो आपको वहां पर क्लास साइज मिल जाएगा क्लियर मैक्सिमम क्लास मार्क्स ऑफ क्लास अगर आपके पास कोई भी क्लास है और उसके क्लास मार्क्स फाइन करने आपको तो किस तरह से करोगे आप ट्रू अपर लिमिट प्लस ट्रू लोअर लिमिट ट्रू अपर लिमिट प्लस ट्रू लोअर लिमिट अपॉन टू क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं फटाफट से नोट करना है तो नोट कर लीजिए स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज द डिफरेंस बिटवीन एनी टू सक्सेसिव क्लास मार्क्स गिव द क्लास साइज हमें यहाँ पर डिफरेंस किसके बीच में सक्सेसिव क्लास मार्क्स के बीच में जो मिलता है वही हमारे पास क्या होते हैं क्लास साइज होती है क्लियर जिसे हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो बेटा स्क्रीन लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से चले आगे चलो टाइप्स ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं देखो एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव फॉर्म मैंने आपको दोनों बताया था ना दोनों के बारे में हम याद देख लेते हैं एक्सक्लूसिव फॉर्म को हम कंटिन्यूस इंटरवल फॉर्म भी कहते हैं ठीक है ना दोनों नेम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि हो सकता है कि हमें बहुत सी बार कंटिन्यूस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के नेम से ही दे दिया जाए कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इन विच द अपर और अपर लिमिट ऑफ क्लास एक्सक्लूडेड एंड लोअर लिमिट इज इंक्लूडेड इज क्लास एंड एक्सक्लूसिव फॉर्म देखो जैसे कि आपके पास कोई भी यहाँ पर क्लास फॉर्म गिवन है और इस क्लास में आप जैसे कि देख पा रहे हो जीरो से टेन गिवन है फिर टेन से ट्वेंटी गिवन है फिर ट्वेंटी से थर्टी गिवन है फिर थर्टी से फोर्टी गिवन है फोर्टी से फिफ्टी गिवन है तो आप यहाँ पर अगर बिल्कुल ध्यान से देखते हो आप अगर यहाँ पर बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आप क्या देख पा रहे हो कि यहां पर हमें जो क्लास मिल रही है ना वो जीरो से टेन मिल रही है फिर नेक्स्ट क्लास जो स्टार्ट 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 हो 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 रही 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 है 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 वो कहां से हो रही? 10 से वापस ही स्टार्ट हो रही। मतलब कि यहां तक जो काउंट होगा वो अंडर टेन काउंट होगा टेन भी काउंट नहीं होगा इसमें ओनली ऑन अंडर टेन काउंट होगा मतलब की नाइन तक काउंट होगा फिर टेन से ट्वेंटी मतलब कि यहां पर टेन भी काउंट होगा लेकिन ट्वेंटी काउंट नहीं होगा नाइनटीन तक काउंट होगा तो आप यहां पर देख पा रहे हो कि एक्सक्लूसिव फॉर्म में क्या मिलने वाला है आपको कि जो इसकी लोअर लिमिट है और जो इसकी अपर लिमिट है ना तो अपर लिमिट से ही वापस से नेक्स्ट क्लास बन रहा है फिर अपर लिमिट से ही फिर नेक्स्ट क्लास कंटिन्यू चल रहा है आगे क्लियर है ना कोई प्रॉब्लम नहीं ओके okay, बेटा समझ में आइए आपको फटाफट से स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले लो नोट करना है तो नोट कर लो ठीक है यहाँ पर अगर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो आपके पास यहाँ पर क्लास मिल रही है आप इस क्लास में क्या देखते हो आपके पास जैसे कि जीरो से टेन की अगर हम बात करते हैं या टेन से ट्वेंटी की बात करते हैं तो ये इंक्लूडेड क्या है यहाँ पर टेन और एक्सक्लूडेड क्या है यहाँ पर ट्वेंटी क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं यही चीज मैंने आपको बताया कि यहां पर आपको जीरो से नाइन तक ही काउंट करना है टेन जो है वो नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास क्लास में में काउंट 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 होगा होगा फिर 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 तक यहां count करोगे फिर 20, फिर next class में count होगा. ओके चलिए ये तो ही आपके पास एक्सक्लूसिव फॉर्म इंक्लूसिव फॉर्म की अगर हम बात करते हैं तो सेम जस्ट इसका अपोजिट जैसे कि आपके पास कोई भी क्लास गिवन है जीरो से टेन ठीक है यही ले लेते हैं तो नेक्स्ट जो क्लास रहेगी आपकी वो क्या रहेगी इलेवन से ट्वेंटी नेक्स्ट ट्वेंटी वन से थर्टी फिर नेक्स्ट थर्टी वन से फोर्टी फोर्टी वन से फिफ्टी तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इन दोनों में हमें डिफरेंस पता चल रहा है कि ये एक्सक्लूसिव का है ये इंक्लूसिव का है इंक्लूसिव में हमारे पास क्या हो रहा है इंक्लूसिव में हम देख रहे हैं कि हमारे पास जो अपर लिमिट है ना उसका जस्ट नेक्स्ट नंबर से ही फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है जबकि यहाँ पर ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पर अपर लिमिट जो है उसी से नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो रहा है ओके तो दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यही मिलने वाला है ये आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है ओके बेटा फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो और अगर आपको इसका स्क्रीन लेना है तो आप इसका स्क्रीन भी ले सकते हो क्योंकि ये जो फॉर्म है ना ये फॉर्म आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इस चीज को याद रखना अगर आपको इंक्लूसिव फॉर्म और एक्सक्लूसिव फॉर्म के बारे में पता है ना तो गारंटी है क्लास लिमिट में तो आप किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाले हो चले आइए चलो नेक्स्ट आता है आपके पास अर्थमेटिक मीन अर्थमेटिक मीन मतलब कि एक तरह से हम क्या करते हैं यहां पर ही तो फाइन कर सकते हैं जो भी हमारे पास डेटा दिया हुआ हो उस डेटा को हम ऐड कर लेते हैं और उस डेटा को ऐड करके जितने नंबर्स होते हैं मतलब कि जो भी डेटा है जितने नंबर्स में है उस नंबर का हम क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं जैसे कि टेन टाइम्स हैं तो टेन का डिवाइड कर देते हैं तो फाइनली हमें क्या फाइंड हो जाता है यहाँ पर इसका मेन फाइंड हो जाता है जिसे हम एवरेज भी कहते हैं ओके okay, तो मेनली फर्स्ट जो इसका कॉन्सेप्ट है वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में आप क्या करते हो यहाँ पर आप एवरेज फाइंड करते हो क्या करते हो एवरेज फाइंड करते हो साथ ही साथ मीन मिडेन और मोड ये तीनों मेज़र करते हों सेंट्रल टेंडेंसी में आप मीन मोड मिडेन तीनों ही मेजर करते हो ठीक है क्लियर है अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करते हैं तो अर्थमेटिक मीन जो है यहाँ पर हमारे पास किस तरह से हम मीन को फाइंड कर सकते हैं इसके लिए मेनली हमारे पास टू टाइप्स होते हैं कितने टाइप से टू टाइप्स एक तो ग्रुप डेटा का अगर हमें फाइंड करना हो तो और एक अनग्रुप डेटा का अनग्रुप अं डेटा का तो इसके लिए आपके पास डायरेक्ट मेथड होता है, है? एक्स बार एक अपॉन एन. अगर आपको ग्रुप डेटा का अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है तो इसके लिए थ्री मेथड्स होते हैं फर्स्ट आपके पास डायरेक्ट मेथड सेकंड एज्यूम मीन मेथड और थर्ड है आपके पास स्टेप डिवीजन मेथड ओके okay, क्लियर है तीनों ही मेथड मिल गया आपको फर्स्ट मेथड आपका डायरेक्ट मेथड है सेकंड आपका पास एज्यूम मेन मेथड है और थर्ड स्टेप डिवीजन मेथड है क्लियर इन तीनों ही मेथड को आपको बिल्कुल ध्यान से समझना है क्योंकि तीनों ही मेथड आपके फॉर्मूला बेस्ड मेथड है कैलकुलेशन में मिस्टेक नहीं करना है बस इतना सा आपको ध्यान रखना है ओके okay, क्लियर है कोई प्रॉब्लम यहाँ तक फटाफट से बोलो नहीं इसको नोट करना है तो नोट कर लो और स्क्रीन लेना है तो स्क्रीन ले लो जल्दी से देखो अर्थमेटिक मीन की अगर हम बात करते हैं तो द अर्थमेटिक मीन और सिंपल मीन ऑफ ए सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन इज ऑपटेड बाई डिवाइडिंग द सम ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब अर्थमेटिक मीन फाइंड करने के लिए आपको क्या करना है जो भी आपको ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है ना उस ऑब्जर्वेशन का आप सम कर लो सबको एड करके फिर आप उसमें डिवाइड कर दो किसका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन की कितने ऑब्जर्वेशन हैं जैसे ही आप उसको डिवाइड करोगे सम को नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से तो आपको यहाँ पर फाइंड हो जाएगा अर्थमेटिक मीन कोई प्रॉब्लम नहीं चले आगे फटाक से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो नोट करना है तो नोट कर लो जल्दी जल्दी हो गया नोट चले आगे चलो अगर आपको मान लीजिए रो डेटा का मीन फाइंड करना है तो किस तरह से करोगे ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना रो डेटा का अगर हमें मीन फाइंड करना है तो मान लीजिए द मीन ऑफ एन ऑब्जर्वेशन हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने बेटा एन एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री से लेकर कहा एक्स बार इक्वल अगर हमारे पास टोटल एन ऑब्जर्वेशन हैं फर्स्ट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर एक्स फाइव एक्स एन ठीक है X1, X2, X3, X4, X5, तो यहां पर आप कितने देख रहे हो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने आपके पास एन क्लियर अगर आप इन ऑब्जर्वेशन का सम करते हो तो पहले तो याद रखना कि अर्थमेटिक मीन को एक्स बार से डिनोट करोगे सम करते हो तो एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री प्लस एक्स फोर प्लस एक्स फाइव कहां तक एक्स एन तक प्लस एक्स एन टोटल कितने ऑब्जर्वेशन आपके पास एन तो फाइनली हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या बनेगा समेशन ऑफ एक्स आई अपोर एन क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं फटाफट से नोट कर लो स्क्रीनशॉट शॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से ये है आपके पास रो डेटा का मीन फाइंड करने का मेथड ठीक है चलो नेक्स्ट देखो मीन ऑफ एन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अनग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर आपको मीन फाइंड करना है तो वो किस तरह से करोगे इसमें आपके लिए सबसे फर्स्ट चीज जो आने वाली है यहां पर एक तो आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे वो कितने मिलेंगे मान लीजिए एन एक्स वन प्लस एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कितने आपके पास ठीक है नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कि कितने टाइम्स आया है यहाँ पर ये जो ऑब्जर्वेशन है ये ऑब्जर्वेशन कितने टाइम्स आया मतलब कि मान लीजिए x1 है तो x1 कितने टाइम आया है, x2 और है, तो x2 कितने टाइम आया तो f1 f2 f3 f4 तो इस तरह से fn टाइम्स क्या है इसकी फ्रीक्वेंसी है क्लियर अब हमें क्या करना है हमें यहाँ पर फाइंड करना है पूरा पूरा कंप्लीटली कि इसका अनग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या रहने वाला है तो इसके लिए क्या करोगे आप इसको तो लिखोगे ऑफ ठीक है और एफ आई इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे क्या करोगे इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दोगे और फाइनली इसमें डिवाइड कर दोगे किसका नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी का क्लियर जो कि आपको यहां पर बॉक्स में नजर आ रहा है फटाफट से नोट कर लो अगर आपको मीन फाइंड करने के लिए कहा जाए अनग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का तो क्या रहने वाला है आपका एक्स बार इक्वल समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई ठीक है ये जो है आपके पास क्या है समीशन का साइन है फटाफट नोट करो बेटा जल्दी से हो गया नोट कोई दिक्कत यहां तक किसी भी तरह की नहीं चलो बहुत ही अच्छी बात है अब अगर आपको मीन फाइंड करना है मान लीजिए ग्रुप डेटा का ग्रुप डेटा का अगर आपको मीन फाइंड करना है तो क्या करोगे अभी मैंने आपको बताया कि ग्रुप डेटा का मीन फाइंड करने के लिए हमारे पास थ्री मेथड्स है फर्स्ट कौन सा है डायरेक्ट मेथड सेकंड जो है हमारे पास वो कौन सा है अज्यूम्ड मीन मेथड और थर्ड जो है हमारे पास वो स्टेप डिवीजन मेथड ये तीनों ही मेथड है अब इन तीनों ही मेथड की जो स्टेप्स है हमें वो क्लियर होना जरूरी है फर्स्ट है हमारे पास डायरेक्ट मेथड अब देखो डायरेक्ट मेथड में आप क्या करोगे सबसे पहले यहाँ पर आप को फाइंड द क्लास मार्क्स ऑफ क्लास इंटरवेल मतलब कि क्लास इंटरवल ग्रुप की बात की जा रही है मतलब कि ग्रुप की फॉर्म क्या रहने वाली है क्लास जरूर मिलने वाली है जैसे कि जीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी इस तरह की आपको क्लास जरूर मिलने वाली है यहाँ पर ठीक है ना इसे ही क्लास बोलते हैं ये ध्यान रखना यहाँ पर आपको क्लास फॉर्म मिलेगा इस क्लास फॉर्म में आपको क्या करना है दिस मार्क्स आर रिप्रेजेंटिंग बाई एक्स आई इन जनरली फॉर द आई क्लास इंटरवेल वीव द फ्रीक्वेंस एफ आई कोरोस्पॉफ क्लास मार्क्स एफ आई देखो सीधी सी बात तो ये है इसको फाइन करने के लिए आपको स्टेप्स को फॉलो करना जरूरी है अगर आपको एक बार स्टेप्स क्लियर हो गए ना तो सब अच्छा कुछ आपको क्लियर है ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या कहती है आपसे फाइन द क्लास मार्क्स सबसे पहले आप क्लास मार्क्स फाइन करोगे मतलब कि क्लास मार्क्स कैसे फाइन करोगे इनकी मिड वैल्यू फाइन करोगे ठीक है जीरो से टेन की मिड वैल्यू क्या है फाइव टेन से ट्वेंटी की मिड वैल्यू दोनों को एड करके डिवाइड कर दो टू का थर्टी फिफ्टीन यहां पर 25 क्लियर है तो आपने क्या किया सबसे पहले यहां पर क्लास मार्क्स फाइंड किया मतलब कि मिड वैल्यू फाइंड किया और उसे आप किससे डिनोट करोगे एक्साइज से ठीक है तो यहां पर क्लास मार्क्स फाइंड करने के लिए आप एक काम और कर सकते हो डायरेक्ट लोअर लिमिट और अपर लिमिट ये आपकी लोअर लिमिट ये आपकी अपर लिमिट दोनों को एड करके टू का डिवाइड कर दो जो कि मैंने अभी आपको बताया है सेकंड स्टेप में क्या करना है आपको कैलकुलेट करना है किसे एक्स आई तो आपको यहां से मिल जाएगा और फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी आपको गिवन होगी तो एफ आई और एक्स आई मतलब कि यहां पर ऑब्जर्वेशन जो दिया हुआ है जो मिड वैल्यू से आपको मिल रहा है उस मिड वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे आप फ्रीक्वेंसी से ठीक है तो फाइनली क्या मिलेगा आपको एफ आई इंटू एक्स आई क्लियर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है फाइंड समीशन ऑफ एफ आई एफ आई एक्स आई मतलब कि समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई और समीशन ऑफ एफ आई मतलब कि यहां पर इस तरह से देखो ये आपको एक्स आई मिल गया ये आपको एफ आई मिल गया यहां पर क्या मिलेगा आपको एफ आई इंटू एक्स आई तो देखो यहां पर तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई इसका सम करके लिख दोगे यहां पर जो भी मिल रहा है उसका सम करके लिखोगे यहाँ समीशन ऑफ एफ आई फ्रिक्वेंसी का सम करके यहां लिखोगे क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं ओके okay, तो फाइनली यहां से जो आपको फॉर्मूला मिलता है वो क्या मिलता है एक्स बार इक्वल समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई अगर आप फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करके उसमें डिवाइड कर देते हो फ्रीक्वेंसी का तो फाइनली आपको डायरेक्ट मेथड से अर्थमेटिक डायरेक्ट मेथड से यहां पर फाइंड हो जाएगा आपके पास कि किस तरह से आप मेन फाइंड कर सकते हो ग्रुप डेटा का ओके बेटा क्लियर है फटाक से स्क्रीन शॉट लेना तो स्क्रीन ले लो नोट करना है तो नोट करो जल्दी से चले आओ नेक्स्ट देखो सेकंड है आपके पास अज्यूम मीन मेथड जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी बोलते हैं ठीक है अज्यूम मीन मेथड में क्या रहने वाला है कॉन्सेप्ट ये भी आपको नजर आ रहा है इस केस में यहां पर आपके पास न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ एक्स आई और एफ आई जो मिलने वाली है वो कैसे मिलेगी लार्ज मिलेगी बड़ी मिलेगी ओके okay, साथ ही साथ यहां पर हमारे पास सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है ये देखो आप अगर आपके पास यहां पर वी टेक ए टू बी दैट एक्स आई विच लाइज इन द सेंटर ऑफ एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स एंड टू रेड्यूज अवर कैलकुलेशन वर्क इन दिस मैथड वी सपरेक्ट एंड आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए कॉल्ड एज्यूम्ड मीन फ्रॉम ईच वैल्यू ऑफ एक्स आई द रेड्यूज वैल्यू इज एक्स आई माइनस ए वी डिनोटेड इट बाई डी आई एंड राइट डी आई इक्वल एक्स आई माइनस ए देखो ये जो डी आई है ना ये डी आई ही क्या है आपके पास यहाँ पर भाई ये डी आई कब फाइंड होगा जब आप यहाँ पर आपके पास एक्स आई में से अगर आप सपरेक्ट करोगे किसे सपरेक्ट करोगे ए को और ए क्या लेते हो आप यहाँ पर ए यहाँ पर है आपके पास वी मेक टेक ए टू बी दैट एक्स आई वी लाइज इन द सेंटर मतलब कि सेंटर देखना है आपको जैसे कि मान लीजिए फाइव क्लासेस दिया है या फाइव क्लासेस दिया है तो टू अपर टू लिमिट टू डाउन और सेंटर वाली जो आपके पास यहाँ पर फ्रिक्वेंसी मिलेगी वही रहने वाली है आपके पास ए ओके तो इस डी को हम क्या कहते हैं डिविएशन कहते हैं एक्स आई यहाँ पर आपको पता है ओके और ए जो है आपका क्या है एज्यूम मीन है जो आप मीन एज्यूम कर रहे हो ए फाइनली क्या रहने वाला है जो भी मीन आप एज्यूम करोगे वही आपका है यहाँ पर ए क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं तो इसके लिए हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है एक्स बार इक्वल ए एक प्लस समिशन ऑफ एफ आई इंटू डी आई अपॉन समिशन ऑफ एफ आई

तो फाइनली आपको डी आई मिल जाएगा ओके okay? क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है ना समझ में आ गया फटाक से नोट करना है तो नोट कर लो स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से फटाफट से ये आपको पता है यहाँ पर एज्यूमड मीन है डी आई आपके पास डिविएशन फ्रॉम मीन है डिफरेंट द स्टेप्स यूज दिस एज्यूम्ड मीन मेथड आर गिवन बिलो सब कुछ आपको क्लियर है यहां पर ये जो है यही आपके पास यहां पर इसका मीन है ओके चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आता है आपके पास यहां पर इसके लिए हमें क्या करना है किस तरह से हमें फाइंड करने के लिए स्टेप्स पता होना चाहिए सबसे सब पहले आप यहाँ पर क्या करोगे क्लास इंटरवल की बात करोगे क्लास इंटरवल में आप एक्स आई निकालोगे ठीक है जो आपको ऑलरेडी गिवन होगा और नहीं गिवन है तो मिड वैल्यू जिस तरह से अभी मैंने फाइंड करना सिखाया है वही करना है लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों को ऐड करके टू का डिवाइड कर दो कर दिया आपने फिर आप सुटेबल वैल्यू ले लो किसका एक्स आई का इन द मिडल एज्यूम ठीक है जो भी आपका मिडल में ए आ रहा है वही आपका क्या होगा सुटेबल वैल्यू होगा और उसे ही आप एज्यूम कर लोगे वो क्या है आपका मीन और इसे डिनोट करोगे किससे डिनोट करोगे ए से फिर आप कैलकुलेट करोगे क्या करोगे डी आई कैलकुलेट करोगे मतलब कि डिविएशन कैलकुलेट करोगे डिविएशन कैलकुलेट करने के बाद उस डिविएशन को आप फ्रिक्वेंसी से मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर आपको फाइनली मिलेगा क्या एन मतलब कि समीशन ऑफ एफ आई इस पूरे का आप टोटल करके आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दोगे ए जो कि है आपका यहाँ पर एज्यूमड मेन एफ आई डी आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई जिसे आप एन भी लिख सकते हो क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं है ना यहाँ तक चलिए नेक्स्ट देखिए स्टेप मेथड स्टेप मैथडि मेथड भी सेम है एक तरह से मेन हम इसके फॉर्मूले की बात करते हैं तो ये रहा आपके पास इसका फॉर्मूला एक्स बार इक्वल ए प्लस समिशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई इन एच अब आपके पास देखो यहाँ पर कुछ जो न्यू एड हुआ है वो हुआ है एक तो यू आई क्या होता है साथ ही साथ एच क्या होता है ठीक है एच तो आपका होता है क्लास साइज होता है अब आप फाइंड करोगे कि सर ये क्लास साइज किस तरह से फाइंड कर रहे हैं हम ये तो बताइए हमें तो देखो इसके लिए सबसे पहले आपको स्टेप्स पर ध्यान देना है फर्स्ट आपको क्या करना है यहाँ पर ए जो है सेम जैसे आपने एज्यूम इन मेथड में ए लेट किया है ना वैसे ही यहाँ पर भी आपको करना है ठीक है फिर आप यू आई करोगे अब यू आई जो है ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे देखो डी आई फाइंड करने के लिए हमने क्या किया एक्स आई में हमने अर्थ मेटिक मीन जो हमने एज्यूम किया मीन उसे सपरेट कर दिया तो यू आई में भी हम सेम ऐसा ही कॉन्सेप्ट करने वाले हैं एक्स आई में से ए को सपरेट कर देंगे लेकिन हम इसमें डिवाइड करेंगे फिर किसका डिवाइड करेंगे एच का और एच क्या है हमारे पास विथ ऑफ क्लास इंटरवल जो आपके क्लास इंटरवल का विथ है क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं तो फर्स्ट स्टेप देखो इसका फर्स्ट स्टेप क्या कहता है सेम आपको जो क्लास इंटरवल गिवन है आप यहां पर कैलकुलेट करो क्या क्लास मार्क्स मतलब कि मिड वैल्यू फाइंड कर लो कर लिया आपने इस तरह से फिर आपको यहां पर सुटेबल वैल्यू लेना है किसका एक्स आई का मतलब कि जो मिडल में आ रहा है और उसे आप एज्यूम कर लोगे वो क्या है आपका मीन है और उसे किससे डिनोट करोगे आप ए से डिनोट करते हो जब आप उसे ए से डिनोट करते हो तो फाइनली आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पर वही डी मतलब कि एक्स आई माइनस है और अगर आप इसमें एच का डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा आपका यू यूआई क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ पर आप देखते हो कि फाइंड करना है आपको मतलब कि यू आई और फ्रिक्वेंसी दोनों को मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा यहाँ पर आप फाइंड करोगे जब आप मल्टीप्लाई करोगे यू और फ्रिक्वेंसी इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आप क्या देखोगे दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आप देखोगे कि जब हम एफ आई का मल्टीप्लाई करके उसका एड करते हैं तो वो समीशन ऑफ एफ आई मिलेगा और फ्रिक्वेंसी को जब हम पूरी को ऐड करते हैं तो समीशन ऑफ एफ मिलेगा यहाँ से हम देखते हैं कि कैलकुलेट मीन बाय यूजिंग फार्मूला फिर हम इस फार्मूला की हेल्प से यहाँ पर इसका मीन फाइन कर सकते हैं कोई दिक्कत है क्या अब बोलो जल्दी से हाँ या ना किसी भी तरह की फटाफट से बोलो बेटा नहीं है समझ में आ गया आपको पूरा पूरा चले आगे स्क्रीन शॉट लेना है तो ले सकते हो नोट करना है तो नोट कर सकते हो जल्दी से चलो नेक्स्ट देखो मीन की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है ये सारी चीजें आपको नजर आ रही है काफी अच्छे से मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया था समिवेशन फ्रॉम मीन इज जीरो जब आपके पास एक्स आई में से अगर आप सपरेक्ट करते हो एक्स बार को तो हमेशा आपको किसके इक्वल मिलेगा ये जीरो के इक्वल मिलेगा ए आपके पास कॉन्स्टेंट रियल नंबर है और अगर आप इसे एड, इसे ऐड करते हो कहा ऐड करते हो ईच ऑब्जर्वेशन में हर एक ऑब्जर्वेशन में तो आपको याद रखना हमेशा एक न्यू मीन मिलेगा अगर ए आपके पास कॉन्स्टेंट रियल नंबर है और इसे आप सप्रेक्ट करते हो हर एक ऑब्जर्वेशन में तब भी आपको एक न्यू मीन मिलेगा क्लियर अगर ए आपके पास एक कॉन्स्टेंट रियल नंबर है और इसे आप मल्टीप्लाई करते हो हर एक ऑब्जर्वेशन में तब भी आपको न्यू मीन मिलेगा इसी तरह से A अगर इफ ईच द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड ए द न्यू मीन विल बी बार अपॉन देखो कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास कोई भी रियल नंबर है ए और उस रियल नंबर ए को अगर आप एड करते हो जो भी आपको मीन दिया हुआ है उसमें अगर आप एड एड करते हो कांस्टेंट नंबर को तो आपको न्यू मीन मिलेगा सपरेक्ट करते हो तब भी न्यू मीन मिलेगा मल्टीप्लाई करते हो तब भी न्यू मीन मिलेगा और डिवाइड करोगे तब भी न्यू मीन मिलेगा कोई प्रॉब्लम है यहां तक नहीं है समझ में आ गया सब कुछ फटाक से स्क्रीन लेना है तो स्क्रीन ले लो छापना है तो छाप लो जल्दी से फटाफट से ओके चलो नेक्स्ट देखो नेक्स्ट आपके पास यहां पर मेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन ये सारी चीजें तो बेटा ऑलरेडी क्लियर है ही सही आपको ठीक है इसमें तो टाइम वेस्ट करने से कोई मतलब है नहीं और डिमेरिट्स ऑफ अर्थमेटिक मीन मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या रहने वाले अर्थमेटिक मीन की ये तो सिर्फ आपको यहाँ पर पता होना चाहिए ओके अर्थमेटिक मीन के जो यूजेज है वो आपको यहाँ पर पता है कि आप यहाँ पर क्या कर सकते हो कैलकुलेट कर सकते हो एवरेज मार्क्स ठीक है स्टूडेंट्स के कित कितने में से कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए फाइनली इस पूरे का अगर आप एवरेज निकाल लो या पर स्टूडेंट्स का अगर आप एवरेज निकालो तो भी वो आप फाइन कर सकते हो जो कि आपका रिपोर्ट कार्ड होता है एक तरह से ठीक है साथ ही साथ आपको यहाँ पर जो भी डेटा दिया हुआ हो ठीक है उस डेटा का भी आप फाइनली एवरेज फाइन कर सकते हो आप यहां पर मंथली एवरेज इनकम फाइन कर सकते हो एक्सपेंडर फाइन कर सकते हो ये सारी चीज आप फाइन कर सकते हो किसकी हेल्प से फाइन कर सकते हो आप अर्थमेटिक मीन की हेल्प से फाइन कर सकते हो तो आपको यहां पर नजर आ रहा है कि हमारे जो अर्थमेटिक मीन है उसके क्या क्या यूजेज हैं अगर आपको इसको नोट करना है तो नोट कर लो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो ओके क्योंकि यहां पर कोई भी आप अगर बिजनेस कर रहे हो या कोई भी बिजनेस लेना है तो उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है कितना लॉस हो रहा है ठीक है उसकी मंथली इनकम कितनी जा रही है ये सारी चीजें किससे फाइंड कर सकते हैं आप ये सब में क्या यूज हो रहा है आपके अर्थमेटिक मीनिंग तो यूज हो रहा है ना ओके जाओ फाइनली ये, ये रिमार्क था इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी ना वो ये तीनों ही पॉइंट्स थे हमारे आपको काफी अच्छे से पता है मैंने वहां पर भी आपको स्टार लगाकर बताए थे इन तीनों पॉइंट्स को अगर आपको मान लीजिए डायरेक्ट बोला जाए कि आप तो फाइन करके बता दो मुझे फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स एन नेचुरल नंबर्स जितने भी है आपके उनका मीन क्या रहने वाला है तो किस तरह से सर फाइन करोगे आप एन प्लस वन अपॉन टू अगर आपको फर्स्ट मीन फाइंड करने के लिए कहा जाए कि सबसे पहले मीन फाइंड करो और वो भी किसका एन नेचुरल नंबर जितने भी नेचुरल नंबर्स है उन सभी का तो आपको क्या करना है एन प्लस वन बाई टू अगर आपको मीन फाइंड करने के लिए जाए किसका एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का तो आप क्या करोगे एन प्लस वन इनटू एन प्� और अगर आपको यहां पर क्यूब फाइन करने के लिए कहा जाए एन नेचुरल नंबर का तो उसके लिए आप क्या करोगे वन अपॉन एन इंटू एन इंटू एन प्लस वन अपॉन टू का हॉल स्क्वायर क्लियर है ये तीनों ही बेटा बहुत ही ज्यादा यूजफुल है आपके लिए इन तीनों को आप अच्छे से नोट कर लो स्टार लगा लो क्योंकि ये आपके पास क्वेश्चन जो है इनमें से जरूर आता है डायरेक्टली पूछा जाता है हमें डायरेक्ट यहाँ पर अगर क्वेश्चन में एक लाइन में दे दिया जाएगा कि एन नेचुरल नंबर्स का आप सम फाइन करो

मिडेन की अगर हम बात करते हैं तो मिडेन से रियल मीन हमें यही समझ में आता है कि मिड वैल्यू की बात की जाने वाली है जैसे कि हमारे पास एक बड़ी सी लाइन है तो बड़ी सी लाइन में हम क्या देखते हैं सेंटर देखते हैं सेंटर ही देखते हैं ना कि सेंटर में कौन खड़ा है कोई भी आप गेम खेलते हो तो उसमें कही कहीं ना कहीं सेंटर तो होता है ओके okay, अगर आप वन टू हंड्रेड तक काउंटिंग भी लिखते हो तो आप फिफ्टी को सेंटर करते हो कि फिफ्टी हमारा क्या इसका? है इसका सेंटर है ठीक है क्लियर है तो यही चीज हमारे पास मिडेन में है कि मिडेन इज द मिड वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो भी आपको यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है उसकी मिड वैल्यू जो है वही क्या है आपकी मिडेन है इट इज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल सच दैट द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अबो इज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बिलो इट देखो सीधी सी बात है अगर आपको किसी भी ऑब्जर्वेशन की मिडन फाइंड करने के लिए कहा जाए ना तो किस तरह से करना है ये हमें सीखना जरूरी है यहां पर और इसके लिए सबसे पहले आपको जो भी ऑब्जर्वेशन दिया जा रहा है जो भी आपको डेटा दिया जा रहा है ना उस डेटा को आपको सबसे पहले क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देना है किसमें अरेंज कर देना है असेंडिंग ऑर्डर में जैसे ही आप उसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हो तो आप यहाँ पर काउंट करोगे कि मान लीजिए आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं एन है अगर आपके पास यहाँ पर एन जो है वो ओड नंबर है क्या है ओड नंबर है और अगर आपको इसका मिडेन फाइंड करना है मतलब कि ओड नंबर का आपको मिडेन फाइंड करना है तो इसके लिए आप यूज करोगे एन प्लस वन अपॉन टू क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं लेकिन अगर आपके पास यहां पर जो नंबर ऑफ ऑब्जरवेशन है वो एन ही है और वो एन अगर आपका इवन नंबर है तो आप यहां पर फॉर्मूला यूज करोगे एन बाई टू क्लियर कोई प्रॉब्लम है क्या फटाफट से बोलो नहीं है देखो हमने क्या कहा अगर हमारे पास यहाँ पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन है लेकिन वो भी ओट नंबर है तो हमें यहाँ पर एन प्लस वन बाई टू यूज करना है और अगर हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एन है लेकिन एन जो है वो सम है मतलब कि इवन है अगर वो इवन मिल रहा है हमें इवन नंबर मिलने पर हम इसमें फॉर्मूला यूज करेंगे एन बाई टू प्लस वन एन प्लस वन बाई टू और एन बाई टू प्लस वन दोनों में रात और दिन का डिफरेंस है ये ध्यान रख लेना ठीक है फटाक से नोट करना है तो नोट करो स्क्रीन शॉट लेना है तो स्क्रीन शॉट ले लो छापना है तो छापो फटाफट ओके चलिए फिर आपको यहां पर मिडन ऑफ डिस्क्रेट फ्रीकवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वही मिडेन किस तरह से फाइंड करते हैं सबसे पहले आपको क्या करना होगा सी एफ फाइन करना होगा अब आपको पता होना चाहिए कि सी एफ क्या होता है अरे भाई ये आपका एक्स आई गया ये आपका एफ आई गया ठीक है सी एफ होता है आपका कम्युनिटिव फ्रिक्वेंसी जो आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है जैसे कि वन टू फोर फाइव नाइन ये आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है तो सी एफ फर्स्ट वाले का सी एफ तो वन ही होगा और सेकंड का सी एफ क्या होगा स्टार्टिंग के दोनों को ऐड कर दो तो कितना मिल गया थ्री फिर थर्ड सी एफ स्टार्टिंग के तीनों को ऐड करो तो ये हो गया सेवन फिर फोर्थ सी एफ क्या होगा स्टार्टिंग के फोर को ऐड कर दो तो सेवन फाइव ट्वेल्व फिर क्या होगा आपके पास सबको ऐड करके यहां पर लिख दो सबको ऐड करके यहां लिखते हो तो फाइनली ये हो जाएगा ट्वेल्व और यहां पर ट्वेंटी वन कितना हो गया आपके पास ट्वेंटी वन तो ये है आपके पास कम्युलेटिवीक्वेंसिंग ठीक है और फिर आपको सबसे पहले तो सी एफ फाइन करना है सीएफ फाइन करने के बाद एन बाई टू मतलब जो भी आपको फ्रिक्वेंसी गिवन है उसका आप टू कर दो फाइनली आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि आपको यहाँ पर रिक्वायर्ड मिडेन जो है वो क्या मिल रही है ओके okay, क्लियर है अगर आपको इंटरवल डेटा ग्रुप में मतलब कि क्लास इंटरवेल फॉर्म में दिया हुआ हो और डेटा कैसा हो ग्रुप डेटा हो और मिडेन फाइंड करना हो तो उसके लिए जो फॉर्मूला यूज होगा वो मेनली होगा आपका एल प्लस एन बाई टू माइनस सी अपॉन एफ इन एच एल जो है आपके पास यहाँ पर लोअर लिमिट रहने वाली है एन बाई टू आपके पास फ्रीक्वेंसी जो रहेगी उसका टोटल करके हाफ कर देना सी जो रहेगा यहाँ पर आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या मिल रहा है ठीक है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मतलब कि ऑफ द क्लास प्रिसडिंग द मिडन क्लास और एफ जो रहेगा आपके पास यहाँ पर आपके पास एफ ऑलरेडी रहेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द मिड मिडन क्लास मिडियन क्लास का जो फ्रिक्वेंसी है वो क्या है और साथ ही साथ एच जो है आपके पास यहां पर एच रहेगा आपके पास मिडेन क्लास का साइज मिडेन क्लास का साइज आपको क्या मिल रहा है ओके कोई प्रॉब्लम नहीं फटाक से स्क्रीन शॉट लेना है, तो स्क्रीन शॉट ले लो नोट करना है तो नोट करो फटाफट फार्मूलाज याद रखना यार बेटा अगर फार्मूला याद है तो गारंटी है सब कुछ आपको आता है फॉर्मूला नहीं है तो सब कुछ गायब है क्योंकि दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है इस चैप्टर में फार्मूला और कैलकुलेशन इन दोनों में उससे कहीं नहीं होनी चाहिए फिर मेरिट्स और मेरिट्स ऑफ मिडेन और डिमेरिट्स ऑफ मिडेन ये तो सारी आपको ऑलरेडी पता है इसे ठीक है मेनली हम यहाँ पर मिडेन के जो यूजेज हैं उनकी बात कर लेते हैं तो यूजेज भी आपको यहाँ पर सब कुछ पता है इसी ऑलरेडी हम पूरे चैप्टर में जो हमने इस लेक्चर को जब स्टडी किया है तो वहाँ पर हमने हर एक चीज़ को बहुत ही छोटे छोटे तरीके से हमने समझा है मेनली आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रिवीजन फेज में यही याद रखना है कि मिडेन की फाइंड करने के लिए अगर हमें ग्रुप डेटा का मिडेन फाइंड करना है तो किस तरह से करेंगे

अब इसमें देखो कि सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी आ रही है यहां पर तो हमें एक कैंडी के प्राइजेस दिए हुए हैं कि जो कैंडीज है इनके प्राइजेस इस तरह से हैं ठीक है ठीके? अब यहां पर इन कैंडी के प्राइजेस में हम देखते हैं कि हमारे पास जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी है ना वो थ्री है कितनी है थ्री है तो इस पूरे ऑब्जर्वेशन का जो आपके पास यहां पर मोड फाइंड होगा वो कितना फाइंड होगा बेटा थ्री फाइंड होगा क्लियर कोई प्रॉब्लम यहां तक फटाक से बोलो नहीं चलो नेक्स्ट देखो मोड ऑफ कंटिन्यूअस फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन अगर आपको ग्रुप्ड फॉर्म में दे दिया जाए क्लास इंटरवल फॉर्म में दे दिया जाए और वहां कहा जाए आपसे कि आपको यहां पर फाइंड करना है मोड तो आप मोड किस तरह से फाइंड करोगे किस तरह से फाइंड करोगे बोलो फटाफट से क्या करोगे अनग्रुप डेटा में तो आपको पता है काफी अच्छे से कि जो भी हमारे पास ऑब्जर्वेशन है उसमें सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी जिसकी आएगी वही हमारा मोड होगा लेकिन यहाँ पर ग्रुप डेटा में ऐसा केस नहीं है ग्रुप डेटा में आपको सबसे पहले यहां पर मोड फाइंड करने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना है वो है आपके पास यहां पर l प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इन टू एच ठीक है यहां पर आपके पास एल जो है वो आपके पास लोअर लिमिट होता है एफ वन जो, जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी ऑफ द मॉडल क्लास लार्जेस्ट फ्रीक्वेंसी और एफ टू जो एफ जीरो जो है वो आपके पास प्रिस मॉडल क्लास है और एफ टू जो है वो सक्सेडिंग मॉडल क्लास है और साथ ही साथ एच जो है विथ ऑफ क्लास है मतलब कि यहाँ पर आप बिल्कुल ध्यान से देखते हो तो आपको यहाँ पर एफ वन जो मिलेगा ना वो एफ वन रहने वाला है आपका यहाँ पर फ्रीक्वेंसी मॉडल क्लास का फ्रिक्वेंसी लेकिन पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि सर ये मॉडल क्लास क्या है भाई मॉडल क्लास के बारे में हमें नहीं पता है तो आप बाकी चीजें कहां से बता रहे हो तो देखो मॉडल क्लास के लिए हम क्या कहते हैं कि इन केस ऑफ ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको ग्रुप uh, केस में फ्रीकवेंसी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है इट इज नॉट पॉसिबल डिटरमाइन द मॉड बाय ओनली लुकिंग एट द फ्रिक्वेंसी तो इस बेस में हम डायरेक्ट देखकर नहीं बता सकते हैं कि किसका जो हमारे पास यहाँ पर ग्रुप डेटा है इसका मोड क्या रहने वाला है इस केस में हम क्या करने वाले हैं इन दिस इन दिस सिचुएशन वी कैन ओनली लोकेट ए क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है क्या देखते हैं सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सी क्लास की है अगर हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी पता चल जाती है मान लीजिए ट्वेंटी आता है और ये क्लास है आपके पास ट्वेंटी टू थर्टी ठीक है इस क्लास की फ्रिक्वेंसी है क्लियर तो यहां पर आपको क्या करना है अब यहां पर ये जो ट्वेंटी है ये तो आपका हो गया लोअर लिमिट क्या हो गया बेटा ये लिमिट ये ट्वेंटी थ्री है ये हो गया आपका एफ वन आपके पास ये जो क्लास मिली है इस क्लास को ही हम क्या कहेंगे मॉडल क्लास मतलब कि जब आपके पास फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा जिस क्लास की होगी ना उसी क्लास को आपको मॉडल क्लास करना है उस मॉडल क्लास में लिमिट आपको पता है जैसे कि ट्वेंटी से थर्टी है तो दोनों में से छोटा कौन है ट्वेंटी है तो लोअर लिमिट क्या है ट्वेंटी हो गई ठीक है इस ट्वेंटी से थर्टी क्लास की जो फ्रिक्वेंसी है ये क्या होगी आपके एफ वन इस एफ वन से जस्ट अपर वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो होगी आपकी एफ जीरो इस एफ वन से जस्ट डाउन वाली फ्रीक्वेंसी है वो होगी आपकी एफ टू क्लियर यहां तक क्लियर कोई प्रॉब्लम नहीं और रही बात एच की तो इस मॉडल क्लास का जो डिफरेंस है कितने का टेन का प्लस साइज कितने का टेन का तो फाइनली यही होगा आपके पास एच कोई प्रॉब्लम यहां फटाक से बोलो भाई नहीं है समझ में आ गया आपको पूरा पूरा हाँ या ना? लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो छापना है तो छापो जल्दी से चले आगे फिर आपके पास मेरिट्स ऑफ मोड से पता ही है इससे आपको काफी अच्छे से मेनली देखो तीनों के अगर आपको मीन फाइंड करना है अगर आपको मिडेन फाइंड करना है अगर आपको मोड फाइंड करना है इन तीनों में अगर फॉर्मूला कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है और कैलकुलेशन में आपको कोई मिस्टेक नहीं है तो कोई नहीं रोक सकता फुल मार्क्स लाने के लिए इन तीनों चीजों पर सबसे ज्यादा ध्यान देना है आपको क्योंकि यहां से इस चैप्टर से जो हमारा क्वेश्चन आएगा वो एक अच्छे मैक्सिमम मार्क्स में मिलने वाला है है ना क्लियर है ये मेरिट्स आपको नजर आ रही है काफी अच्छे से फिर डिमेरिट्स जो भी रहने वाली है आपके यहाँ पर मोड से रिलेटेड ये भी आपको पता है मोड का जो यूजेज है वो क्या है सबसे पहले देख लो मोड इज द एवरेज ठीक है एक तरह से एक तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये इससे हमको क्या होती है आइडियल साइज फाइंड हो जाती है ठीक है बिजनेस फोरकास्टिंग ठीक है मैन्युफैक्चर्स ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स शूज एक्सेट्रा मतलब कि इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं मोड फाइंड मतलब मोड का जो सबसे यूज ज्यादा यूज होता है वो कहाँ पर होता है कोई भी मैन्युफैक्चरिंग आपके पास रेडीमेड गारमेंट्स है शूज है इन सब में आपको मैक्सिमम कितने यहाँ पर पेयर्स मिल रहे हैं ओके ये सब क्या है आपके यहाँ पर यूज़ है मोड फाइंड करने के ओके चलो फिर आपको अगर यहां पर इंटीग्रेबल रिलेशनशिप बताना है और किसके बीच में थ्री मेजर सेंट्रल टेंडेंसी के बीच में तो वो क्या होती है आपके पास आपको पता है मोड इक्वल होता है आपके पास अगर थ्री मिडेन माइनस टू मीन ठीक है अब यहां से अगर आपको मान लीजिए यहां से अगर आपको मिडेन फाइंड करना है तो क्या करोगे आप मोड इस माइनस टू को इधर लेकर आओगे तो प्लस टू मीन ठीक है और ये जो थ्री है इसे अपॉन में कर दोगे तो फाइनली यहाँ से आप मिड एन कर सकते हो क्लियर इसी तरह से यहां से आप मीन भी फाइंड कर सकते हो मतलब कि इस एक फार्मूला कॉन्सेप्ट के बेस पर हम यहां पर थ्री फार्मूलाज और फाइंड कर सकते हैं तो द रिलेशनशिप कैन बी यूज फाइंड सेंट्रल टेंडेंसी इस रिलेशनशिप की हेल्प से हम सेंट्रल टेंडेंसी फाइंड कर सकते हैं किन ही बी टू सेंट्रल टेंडेंसीज आर गिवन जब हमारे पास कोई भी टू सेंट्रल टेंडेंसी गिवन हो चाहे मिडेन और मोड गिवन हो चाहे मिडेन और मीन गिवन हो या मीन और मोड गिवन हो क्लियर बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है ओके फिर हमने इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बाद हमने डिस्कशन किया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारे पास अगर कोई डेटा है और उसे हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है ठीक है तो हम किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करेंगे इसके लिए हमारे मेनली टू टाइप्स के मेथड्स से फर्स्ट था आपके पास लेस देन टाइप ओगिज और मोर देन टाइप ओगिज लेस देन टाइप में हमने क्या किया था सबसे पहले हमारे पास xi था fi था हमने यहां पर सी एफ फाइन किया क्या फाइन किया सी एफ ठीक है अब यहाँ पर आपको जो मिलेगा ये किस तरह का मिलेगा ग्रुप डेटा के फॉर्म में मिलेगा ठीक है तो आपने सबसे पहले सी एफ फाइन किया और इस सी एफ फाइन करने के बाद में आपने यहाँ पर सी एफ के साथ में जो इनकी मोर देन के केस में हमने यहाँ पर जो लिमिट्स लिए ना वो कौन सी लिमिट्स लिए अपर लिमिट मतलब कि ज़ीरो से टेन टेन से ट्वेंटी ट्वेंटी से थर्टी तो यहाँ पर इस केस में हमने कौन सी लिमिट ली थी अपर लिमिट मतलब कि सी एफ के साथ में हमने अपर लिमिट ली है ठीक है और इसी तरह से सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो सेकंड टाइप है हमारे पास यहाँ पर मॉडर्न टाइप्स मोर मॉडर्न टाइप्स ओगिव्स में हमने क्या किया था यहाँ पर हमने सेम कॉन्सेप्ट सी एफ फाइंड किया ठीक है सी एफ में से हमने सी एफ में से क्या किया सपरेक्ट किया किसे फ्रीक्वेंसी को मतलब कि यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी आएगा आपके पास इस टोटल फ्रीक्वेंसी को आप यहाँ लिखोगे इस टोटल फ्रीक्वेंसी इस टोटल फ्रीक्वेंसी में से आप अगर सी यहाँ पर फ्रीक्वेंसीज को सपरेक्ट करते जाओगे तो यहाँ पर आपको सी एफ फाइन होगा और इस सी एफ और लोअर लिमिट को जब आप लेकर ग्राफ पर रिप्रेजेंट करोगे इन पॉइंट्स को तो यहाँ पर आपको मोर देन ओगिस्ट फाइंड होगा क्लियर है कोई प्रॉब्लम नहीं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन काफी ईजिली आपने सॉल्व कर लिया था ठीक है फिर हमने यहाँ पर डिटरमाइन की कि किस तरह से हम मिडेन फाइंड कर सकते हैं तो देखो मिडेन फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ग्राफ पर अगर आपको मिडेन फाइंड करना है तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पर हमेशा क्लास इंटरवल प्लॉट करोगे यहां पर आप हमेशा सी एफ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी प्लॉट करोगे क्लियर है ना कोई प्रॉब्लम नहीं तो आप क्या करना यहां पर जब आपके पास फ्रीक्वेंसी है उन फ्रीक्वेंसीज को ऐड करके अगर आप टू का डिवाइड करते हो मतलब एन बाय टू फाइंड करते हो वो एन बाय टू जो आप एन बाय टू फाइंड करते हो वो एन बाय टू अगर आपके पास यहां पर मान लीजिए वाई एक्सिस पर आ रहा है इस तरह से तो इसके पॉइंट को लेकर आप एक्स एक्सिस के पैरल एक लाइन ड्रॉ करोगे और इसी तरह से वाई एक्सिस के पैरल एक लाइन ड्रॉ करोगे तो फाइनली यहाँ से आपको मिड मिडेन फाइंड होगा क्लियर है बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है ना ये सारी चीज़ें हमने इससे पहले वाले लेक्चर में क्लियर किया हुआ है आप वहाँ पर आराम से सॉल्व कर सकते हो हमने इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं आपको उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इसलिए परेशान नहीं होना है डायरेक्ट हमारा टाइम होने वाला है बहुत ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए हम थोड़ा जल्दी क्लियर कर रहे हैं इस चीज़ को ओके क्लियर है फिर हमने यहां पर मेन डिविएशन फाइंड करना सीखा कि अगर हमारे पास कोई अनग्रुप डेटा या रो डेटा है तो उसका हम मेन डिविएशन किस तरह से फाइंड कर सकते हैं तो वही समीशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार अपॉन एन क्लियर है यही हमारा मेन फॉर्मूला था और डी जो है आपके पास क्या है यहाँ पर डिविएशन है आपको पता है काफी अच्छे से तो ये जो हमारा पूरा चैप्टर था इस चैप्टर का हमने रिवीजन कर लिया है कंप्लीटली बेटा नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं इसी चैप्टर से रिलेटेड जो हमारे ओलंपियाड लेवल क्वेश्चन हैं उन्हें सॉल्व करेंगे मैं आपको वापस एक बार बता देता हूं आपको मीन मिडेन और मोड इन तीनों में ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा का किस तरह से हम फाइन कर सकते हैं अगर आपको ये चीज़ क्लियर है ना और फॉर्मूलाज अगर याद है और कहीं भी कैलकुलेशन में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक नहीं है तो पूरे में से पूरे मार्क्स लाने में कोई नहीं रोक सकता फुल मार्क्स मिलेंगे इस चैप्टर में आपको इसलिए प्लीज़ ध्यान रखना कैलकुलेशन का फॉर्मूलाज का ओके okay, क्लियर है और जो भी हमने यहाँ पर पूरे लेक्चर्स कंप्लीट किए हैं कहीं किसी तरह का आपको डाउट है तो उनसे रिलेटेड हमने हर एक लेक्चर को अलग अलग डिवाइड करके स्टडी किया है आपको उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे आप चाहें तो फटाफट से डिस्क्रिप्शन पर कर क्लिक करके उन वीडियोस पर उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हमने शेयर किए हैं उन्हें भी आप सॉल्व कर सकते ओके बेटा फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ तब तक के लिए बाय बाय